नमस्कार दोस्तों, आषाढ़ महीने की अमावस्या बहुत ही खास है। बता दें कि वैसे तो अमावस्या तिथि 9 यानी आज पड़ रही है, लेकिन शनिवार को अमावस्या तिथि सूर्योदय के कुछ देर बाद तक भी रहेगी। इसीलिए इस दिन तीर्थों और पवित्र नदियों में स्नान करने और दान का महत्व रहेगा। कहते हैं कि दान और स्नान करने से व्यक्ति के सारे पाप दूर हो जाते हैं, लेकिन कोविड के चलते अगर आप किसी पवित्र नदी पर नहीं जा सकते तो घर पर ही स्नान के पानी में थोड़ा गंगा जल मिलाकर उसी पानी से नहा लें। दोस्तों, अमावस्या पर कुछ ऐसे कामों के बारे में बताया गया है जिन्हें आप बेहद आसानी से कर सकते हैं और ऐसा करने पर आपको पुण्य की भी प्राप्ति होगी। अमावस्या पर क्या करें? इस पर्व पर सूर्योदय से पहले उठकर नहाना चाहिए। संक्रमण से बचने के लिए घर पर ही पानी में गंगा जल या किसी पवित्र नदी का जल मिलाकर नहाएं। इसके बाद श्रद्धा के मुताबिक दान करने का संकल्प लेना चाहिए। फिर जरूरतमंद लोगों को दान देना चाहिए। इस दिन तेल, जूते, चप्पल, लकड़ी का पलंग, छाता, काले कपड़े और उड़द की दाल का दान करने से कुंडली में मौजूद शनि दोष खत्म हो जाते हैं। तिल स्नान से दूर होंगे दोष। अमावस्या पर पानी में गंगा जल या किसी पवित्र नदी के जल के साथ तिल मिलाकर नहाना चाहिए। ऐसा करने से कई तरह के दोष दूर होते हैं। इस दिन पानी में काले तिल डालकर नहाने से शनि दोष दूर होता है। इस दिन काले कपड़े में काले तिल रखकर दान देने से साढ़े साथी और ढैया से परेशान लोगों को राहत मिल सकती है। साथ ही एक लोटे में पानी और दूध के साथ सफेद तिल मिलाकर पीपल पर चढ़ाने से पितृ दोष का असर कम होने लगता है। इस तिथि पर तीर्थ स्नान और दान का कई गुना पुण्य फल मिलता है। अमावस्या शनिदेव की जन्म तिथि भी है, इसीलिए इस दिन शनिदेव के पीपल के पेड़ की पूजा करने से कुंडली में मौजूद शनि दोष खत्म होते हैं। इस दिन शनिदेव की कृपा पाने के लिए व्रत रखना चाहिए और जरूरतमंद लोगों को भोजन करवाना चाहिए। इसके साथ ही बता दें कि किसी भी महीने की अमावस्या अगर शनिवार को पड़ती है तो उसे शनिश्चर अमावस्या कहा जाता है। ग्रंथों के मुताबिक ऐसी अमावस्या शुभ फल देने वाली होती है। ऐसे संयोग में किए गए स्नान दान का पुण्य फल और भी बढ़ जाता है। बता दें कि शनिवार के दिन भी सूर्य उदय तक अमावस्या तिथि रहने के कारण शनि अमावस्या कहलाती है। शनिवार को अमावस्या का संयोग कम ही बनता है। इस साल 13 मार्च को शनिवार के दिन अमावस्या थी, अब 10 जुलाई को ऐसा योग बन रहा है। इसके बाद ऐसा संयोग साल के आखिर में बनेगा। 4 दिसंबर को इस साल की आखिरी शनि अमावस्या रहेगी। कुंडली टीवी डेस्क से लता शर्मा की रिपोर्ट। इसी तरह की और भी जानकारी लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। साथ ही अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।